हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले ट्रेडिंग वीक के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम मार्केट इवेंट्स के बारे में बात करें तो यहां पे हमें यूएस मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। मंडे को हमें मार्केट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग और मोटर व्हीकल जुलाई सेल्स डेटा के बारे में पता चल सकता है। इसके बाद हमें वेडनेसडे को एडीपी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, ट्रेड डेफिसिट, मार्केट सर्विसेज पीएमआई और आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के डेटा के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सकता है। थर्सडे को हमें जॉबलेस क्लेम्स के बारे में पता चल सकता है और फाइनली हमें फ्राइडे को अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स और कंज्यूमर क्रेडिट रिपोर्ट जो कि जून के लिए पब्लिश होने वाला है उस रिपोर्ट को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इंडियन मार्केट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आरबीआई करंट वीक में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई नेट प्रोविजनिंग में एक इंक्रीमेंट को देख रही है। तो उसे देखते हुए आरबीआई अपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कुछ कटौती यहाँ पे ऐलान कर सकती है। यहाँ पे रेपो रेट में अप टू 25 बीपीएस यानी 0.25% का एक कटौती को ऐलान किया जा सकता है, जिसके बाद हमें रिवर्स रेपो रेट में भी अप टू 75 बीपीएस यानी 0.75% तक का एक कटौती यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे सकता है। इनकेस आरबीआई ऐसे कुछ ऐलान करता है तो हमें सिस्टम में लिक्विडिटी बूस्ट कुछ समय के लिए दिखाई दे सकता है। अगर हम Q1 अर्निंग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिप्ला, महिंद्रा, पिडिलाइट, बाटा, एफल, ल्यूपिन, डिविस लैब, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गोदरेज जैसे कुछ कंपनीज का नाम सामने आते हैं। इसके अलावा हमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और वरुण बेवरेज जैसे कुछ नॉन निफ्टी कंपनीज का जो Q1 अर्निंग्स रिपोर्ट है वो भी हमें करंट वीक में देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे ऑटो सेल्स डेटा का इम्पैक्ट के बारे में बात करें जो कि हमें वीकेंड में जारी होता हुआ दिखाई दिया, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें मंडे से मार्केट में दिखाई दे सकता है। यहाँ पे मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो सेल्स फिगर था वो एनालिस्ट के एस्टिमेट के मुकाबले अच्छा था, तो आपको इसमें एक ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेंड दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पे आइशर मोटर के केस में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर में दिखाई दे सकता है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के सेल्स में हमें ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 26% का एक डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम हीरो मोटर के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट एक फ्लैट ट्रेंड दिखाई देता है। सिर्फ इसमें ऑलमोस्ट 4% का एक डिक्लाइन हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख सकते हैं। तो अभी के लिए इसका कंज्यूमर डिमांड में हमें कंटिन्यूअसली एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो आपको इसमें एक स्टेबिलिटी अगले महीने के एंड तक यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगर हम माइंडस्पेस रीट आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आईपीओ 13 टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से काफी सक्सेसफुल रहा और इस आईपीओ का जो प्राइस पॉइंट सेट किया गया था वो 274 से लेके 275 पे यहाँ पे सेट किया गया था। अगर आपने इसमें अपना एप्लीकेशन डाला है तो आपको फ्राइडे या फिर सैटरडे के बीच में यहाँ पे अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में पता चल सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ था तो आपको फाइनल इश्यू प्राइस 275 पे देखने को मिल सकता है। और अगर इसका जो लिस्टिंग डेट है उस डेट पे अगर मार्केट सेंटिमेंट अच्छा रहता है तो हमें इस आईपीओ पर शेयर के बेसिस पे एटलीस्ट 20 से लेकर 25 रुपए के बीच में एक प्रीमियम भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर हम कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ ईजीएम्स, डिविडेंड और राइट इश्यू देखने को मिल जाएंगे। हमें मंडे 3 अगस्त को ल्यूपिन, टाइटन, आईसीआईसी सिक्योरिटी और बॉश जैसे कुछ कंपनीज का एजीएम और डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद हमें 5 अगस्त को लार्सन एंड टोब्रो का एजीएम और डिविडेंड देखने को मिल सकता है और क्रिजिल का जो डिविडेंड है वो हमें 4 अगस्त को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वोल्टास, अल्काइल अमाइन जैसे कुछ कंपनीज अपने एजीएम और डिविडेंड को यहाँ पे 5th और 6th को रेस्पेक्टिवली डिक्लेयर कर सकते हैं, जबकि नवीन फ्लोरिन अपना जो डिविडेंड है वो 7th ऑफ अगस्त को यहाँ पे डिक्लेयर करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। फाइनली अगर हम राइट इशू के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सैटिन क्रेडिट केयर अपना एक राइट इशू लाने वाली है, लेकिन ये कंपनी का फंडामेंटल काफी नेगेटिव रहने की वजह से आप इस राइट इशू को करेंटली अवॉइड कर सकते हैं। फाइनली अगर हम ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे रिसेंटली टाटा मोटर्स ने अपने Q1 रिजल्ट को अनाउंस किया हुआ है, जिसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिलता है। लास्ट टाइम इसका जो लॉस था वो 3698 करोड़ था, जबकि ये इस बार बढ़ के 8434 करोड़ पे पहुंच चुका है। इसके रेवेन्यू में भी हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है।
जो कि ऑलमोस्ट हमें 50% के मार्जिन से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन होता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बारे में बात करते हैं तो इसके Q1 रिजल्ट में हमें फिर से यहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा, क्योंकि हम इसके नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 40-50% के बीच में यहाँ पे एक डिक्लाइन को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख सकते हैं। इसके नेट इंटरेस्ट इनकम में भी हमें यहाँ पे कुछ अच्छे फिगर्स दिखाई देते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ये 352 करोड़ था जो कि इस बार बढ़ते हुए 458 करोड़ पे आ चुका है। लेकिन इसके बावजूद हमें इसके प्रॉफिट में यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाता है। इसका मेन रीज़न प्रोविजनिंग हो सकता है, तो आगे आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अगर इसका जो फाइनेंशियल है वो अगले 1-2 क्वार्टर में अच्छे नहीं होते तो इस बैंक का जो फंडामेंटल्स है वो हमें काफ़ी बिगड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम UPL के Q1 रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें इसके प्रॉफिट में एक शार्प अपसाइड देखने को मिलेगा, जो कि लास्ट टाइम 285 करोड़ था वो इस बार 551 करोड़ तक आ चुका है। इसके रेवेन्यू में भी हम एक मार्जिनल डिक्लाइन को देख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें इसके प्रॉफिट में एक शार्प अपसाइड देखने को मिल जाता है। इससे एक बात साफ है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी ऊपर आ चुका है, तो इसका एक अच्छा इंपैक्ट हमें मार्केट में दिखाई दे सकता है। तो आप अगर चाहें तो इस स्टॉक के ऊपर कल अपना नज़र बनाए रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन के बारे में बात करते हैं, जो कि एक फ्यूचर ग्रुप की कंपनी है, उसके Q4 रिजल्ट में हमें काफ़ी बुरे नतीजे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसके लॉस हमें यहाँ पे लास्ट टाइम के प्रॉफिट के मुकाबले ऑलमोस्ट 2 टाइम्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लास्ट टाइम 74 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इस बार 148 करोड़ का यहाँ पे लॉस हमें देखने को मिल रहा है। इवन हम यहाँ पे इसके नेट रेवेन्यू में भी थोड़ी सी उछाल को देख सकते हैं, तो ये बात गौर करने वाली है कि रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद हमें यहाँ पे एक लॉस दिखाई देता है। तो इस स्टॉक में कोई भी स्पेकुलेशन ना करते हुए आप इस स्टॉक को करंटली अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आयोल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के Q1 रिजल्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं, जबकि इसका जो रेवेन्यू है वो हमें थोड़ा सा लास्ट ईयर के मुकाबले कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होने की वजह से हमें इसके नेट प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम 85 करोड़ के बदले इस बार 127 करोड़ पे आ चुका है। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें कल मार्केट आवर में दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे आप अपना जो ट्रेड पर्पज़ के लिए स्टॉक के ऊपर अपना नज़र बनाए रख सकते हैं। करंटली स्टॉक पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसमें कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको थोड़ा कॉशियस रहना है, क्योंकि कभी भी हमें स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकता है। फाइनली अगर हम पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात करें तो बैंक August 1st से अपना जो लेंडिंग रेट है, यानी कि लोन जिस रेट पे वो प्रोवाइड करती है, उसमें ऑलमोस्ट 25 BPS यानी 0.25% की कटौती कर सकती है। तो अगर आप इस बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इसमें आपको थोड़ी सी राहत यहाँ पे करंट सिनेरियो में दिखाई दे सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें, और अगर इसे आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसे इसके नीचे आपको एक नोटिफिकेशन बेल भी देखने को मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करें ताकि आपको हमारी चैनल की हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।